जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। किस पिक्चर का गाना है? कर्मा। ये आप लोगों के लिए लागू होता है, आप लोगों के लिए लागू होता है। रिटर्न बैच जो कि इसी सीक्वेंस के ऊपर पूरी तैयारी कर रही है, आर्मी की इस वर्दी के लिए तैयारी कर रही है, जो कि अब लास्ट पड़ाव पे है। और आपको बार बार मैं कनेक्ट हो रहा हूं, कंटेक्ट कर रहा हूं, आपके क्लास में आ रहा हूं, पढ़ाई लिखाई के साथ मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। दोस्तों मैं मनोज सिंह आज रिटेन बैच में, जो कि लड़के हमारे इस जीडी वाले लड़के हैं, सोल्जर जीडी वाले लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और वीडीए के अंदर जो तैयारी चल रही है, मैं जानना चाहूंगा लड़कों से कि क्या एक्चुअली में तैयारी अच्छी है नहीं है। ये सारा चीजें हम लड़कों से मिलेंगे, और साथ में मैं बता रहा हूं कि वीडीए के अंदर रिटेन एग्जाम पूरे पूर्वांचल में एक चैलेंज एग्जाम हम लोग कराने वाले हैं। और आप लोग जो भी लोग पूर्वांचल के अंदर इस चीज को जानते हैं, वीडियो को जानते हैं, वाराणसी डिफेंस एकेडमी को जानते हैं, तो आप लोग अपना ज्वाइनिंग ले सकते हैं। यहां पे भी बहुत कम टाइम के लिए टाइम बचा है आपका, यहां पे ज्वाइनिंग बंद हो जाएगा, एडमिशन बहुत जल्दी यहां बंद होने आए, और रिटेन एग्जाम का एक बहुत बड़ा सिक्वेंस आपके सामने है। दोस्तों कैसा पढ़ाई चल रहा है? अच्छा चल रहा है, संतुष्ट हो? कितने घंटे पढ़ाई चल रही है? 10 से 12 घंटे का पीरियड है, शेड्यूल है लड़कों के बीच में दोस्तों। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वर्दी लेना है, आपको नौकरी करना है, तो ये आपका 10 से 12 घंटा कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, और लगातार ये एक महीना आपके लाइफ को चेंज कर देगा। मैं बार बार आपको मोटिवेट कर रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि अगर आपको एक महीने में, अब सोने का टाइम नहीं है, टोटली जगने का टाइम है, और बहुत टाइम मिलेगा आपको सोने के लिए, पूरी जिंदगी सोने के लिए है, पूरी जिंदगी आप सो सकते हैं। अगर आप एक महीना, ये एक महीना अगर आप जाग रहे हैं, तो पूरी जिंदगी आप सोएंगे। दोस्तों मैं लगातार इसलिए आपको बना रहा हूं कि इस सिस्टम में जिस पड़ाव पे आप हैं, उस पड़ाव पे कभी मैं भी था, मैं भी आपकी तरह दौड़ा था, और मेरे सामने ये सारी चीजें आई थी, ये सारा चीज फेस करने को आया था, और आज वो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये सारा चीज शेयर करना चाहूंगा, जब रिजल्ट आपके साथ आएगा, जब एआरओ के ऊपर या आपके स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जब आपका रिजल्ट आएगा, और आपका रोल नंबर नहीं रहेगा, और ऊपर नीचे आपका दो रोल नंबर मिलेगा, बीच का नहीं मिलेगा, और हो सकता है इसी के बाद आपके लाइफ का एंडिंग भी हो जाए। तो आप लोगों को बहुत तेजी से पढ़ना है, पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना है। मैं बार बार पब्लिक तक आपका वीडियो देता हूं, इसलिए देता हूं कि आपके माँ बाप ये वीडियो देखें और अपडेट भी रहें कि मेरा बेटा क्लास में है, अच्छे से पढ़ रहा है, और भी संतुष्टि हो जाए कि कम से कम फोन नहीं है बच्चे के पास, फोन वोन नहीं है, तो कम से कम वीडियो के माध्यम से ही देख लें कि हाँ बच्चा है मेरा, सेफ है। और मैं एक एकेडमी का नंबर जारी करूंगा, कोशिश कर रहा हूँ एक आध दिन के अंदर एक ऐसा मोबाइल ला रहे हैं, सेंट्रली मोबाइल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हर बच्चे को कभी भी इमरजेंसी हो तो उस मोबाइल से वो बच्चा फोन कर लेगा और ये सारी प्रॉब्लम खत्म होगा। मोबाइल ले लिया गया है, आने वाले व्यक्ति ध्यान दीजिएगा, वीडियो के अंदर मोबाइल जमा हो जाता है, और जिसका अभी जमा नहीं है तुरंत कर देना जाके। और मैं ये वीडियो लगातार बनाता रहूंगा, हर टाइम बनाता रहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़ा रहना मेरा एक काम है। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो शायद आप लोग यहाँ नहीं होते। सो हम लोग यूट्यूबर हैं, और यूट्यूबर हमेशा अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ये लगातार वीडियो देना पड़ता, अन्यथा यूट्यूब चैनल बैठ जाता है और आपकी कनेक्टिविटी हमारे और आपसे खत्म हो जाता है। सो हमें वीडियो बनाना ये मेरी मजबूरी है, और हमें प्रमोट करना भी, ये आज के डेट में एड का इतना बड़ा परफॉर्मेंस हो चुका है, वीडियो का परफॉर्मेंस पूरे एयरफोर्स चौराहे के ऊपर से कम 30x15 के फ्लैश के ऊपर ऐड चल रहा था। सो ऐड करना हमारा काम है और जरूर करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऐड कर रही हैं, और ऐड के जरिए उनका सामान बिक रहा, खरीद रहे हैं। हालांकि शिक्षा है, इसको बेचा नहीं जाता है, लेकिन शिक्षा को शिक्षा तक पहुंचाने के लिए आपका आना जरूरी है। और आप जब तक सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानेंगे नहीं, आप पहचानेंगे नहीं, यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं, और अगले वीडियो में लगातार फिर बना रहूंगा, दूसरे पड़ाव पे हो सकता है टेस्ट में मिलूं, हो सकता है गमला का फूल लगाने में मिलूं, और पानी डलवाते भी मिलूं, और मिलता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।